हाँ तो भाई लोग कैसे उम्मीद है कि आप लोग हॉटस्टार की नई वेब सीरीज द एम्पायर का ट्रेलर 7 अगस्त को रिलीज हो गया। 2 मिनट 37 सेकंड का ट्रेलर है। देखकर पता चल रहा है कि सीरीज मुगल साम्राज्य पर बेस्ड है। कुणाल कपूर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं और लीड रोल में है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रोल में। वर्ष 1500 के आसपास बाबर ने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद से अपना शासन खो दिया था। उसी पूरे घटनाक्रम, युद्ध और मुगल शासन के इर्द गिर्द ये सीरीज बुनी हुई है। बाबर ने अपना शासन गवाया था मोहम्मद शैबानी खान के हाथों। शैबानी उज़्बेक लीडर था। इस वेब सीरीज में शैबानी के रोल में सरप्राइज पैकेज है। ये सरप्राइज पैकेज है डीनो मोरिया। डीनो नेगेटिव रोल में है और किरदार को बेरहम क्रूर दिखाने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं। कुणाल और डीनो दोनों की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो सीरीज रिलीज होने पर ही पता चलेगा। यानी हमें और आपको इंतजार करना होगा 27 अगस्त तक का। ट्रेलर में शबाना आजमी भी दिख रही हैं और जैसा कि डायलॉग से साफ है कि वो किंग मेकर की भूमिका में है, जो बचपन से लेकर बड़े तक बाबर की बैकबोन की तरह उसके साथ रहती हैं। एक्ट्रेस दृष्टि ढामी भी इसमें है। वो खानजादा का किरदार निभा रही हैं जो कि बाबर की बहन है। दिखाया गया है कि जब बाबर और शैबानी में ठंती है तो शैबानी शर्त में खानजादा को ही मांगता है, जिसके बाद सत्ता और सम्मान का संघर्ष शुरू होता है। द एम्पायर को डायरेक्ट किया है मिताक्षरा कुमार ने। नई डायरेक्टर है और द एम्पायर से काफी उम्मीदें भी जगा रही हैं। निखिल आडवाणी इसके प्रोड्यूसर हैं, जो हाल फिलहाल अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। निखिल इससे पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उनके नाम कल होना हो जैसी कमर्शियल हिट मूवीज भी दर्ज है। हालांकि इसके बाद निखिल की डायरेक्ट की गई कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं, जैसे चांदनी चौक टू चाइना, पटियाला हाउस, सलामे इश्क। फिर डी डे के साथ निखिल ने फिल्में प्रोड्यूस करने का काम शुरू किया और अब तक कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। निखिल आडवाणी ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर द एम्पायर का टीजर भी शेयर किया था। यूट्यूब पर ट्रेलर के नीचे कमेंट बॉक्स में जनता ट्रेलर को ठीक ठाक फीडबैक दे रही है। हमारे साथ ही अभिषेक का मानना है कि इस ट्रेलर ने कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स की तो कहीं ना कहीं पद्मावत की याद उन्हें दिलाई। लेकिन बुक को कवर से जज ना करते हुए 20 दिन वेट कर ही लेते हैं। 27 अगस्त को पता चल ही जाएगा।